छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, नाजू कवि बना। इसमें मेरे कुछ साथी और मेरी कुछ साथी हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये नाटक अच्छा लगे। बच्चों का खेलने का मैदान था। एक कोने में नजानू उदास बैठा था। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर आते हैं। आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। नहीं तुम लोग खेलो। अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे? नहीं। आप मिठोनी, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। बच्चे खेलते हैं, नजानू वहाँ पर चिढ़कर बैठा रहता है। एक कोर से गुदगुदाता आता है। नजानू, ओ नजानू, वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? नहीं, मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं तो बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? हाँ, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं आया। क्यों क्यों? एक दिन मैंने डॉक्टर गोली वाले के दीवार पर एक चित्र बनाया था, लेकिन उन्होंने तो मेरी माँ से शिकायत कर दी। अच्छा तो यह बात है। गुलदस्ता जी, आप ऐसी कविताएं कैसे लिख लेते हैं? मैं भी आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कविताएं लिखना सिखा सकते हैं? सीख तो सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा है तो। हाँ हाँ, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। क्या तुम जानते हो कि तुक क्या होती है? तुक ये क्या होता है? तो इसे नहीं जानता। तो उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक ही तरह से होता है, जैसे चिड़िया गुड़िया घोड़ा थोड़ा, समझे? हाँ समझ गया। अच्छा तो घड़ी की तुक बताओ। हाँ, जैसे झाड़ी। ये कैसी तुक है, घड़ी झड़ी, ये शब्दों से तो तुक भी नहीं बनती। वाह, क्यों नहीं बनती, इनका अंत तो एक ही तरह से होता है। कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं, यह भी जरूरी है कि शब्द एक जैसे ही हो और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, जैसे गुड़िया चिड़िया भट्टी खट्टी घड़ी छड़ी और हिसाब किताब। अब तुम मुझे सोंटा शब्द का तुक बताओ। थोंटा। थोंटा, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। अच्छा अच्छा तो उल्टा। तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह तो कोई शब्द ही नहीं होता। अगर तुम्हें कविता रचनी है तो ऐसा शब्द चुनो जिसे सब समझते हो। और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो? इसका यह मतलब है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। तो आप ही सोंटा का तुक बता दीजिए। रस्ता काफी देर तक सोचता है, फिर वो सिर्फ जाता है। छोटा कोंटा, उफ, इस शब्द को क्या हो गया, इसकी तो कोई तुक है ही नहीं। देखो उतने ही ऐसा शब्द लिए जिसका तुक नहीं होता, और मुझे कहते हैं कि प्रतिभा नहीं है मेरे में कविता रचने की। अच्छा अच्छा, है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने पड़ा। तुम ऐसी कविता लिखो जिसका कोई अर्थ हो। अरे वाह, इसका मतलब बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है, पर कविता करते करते कहीं पिट ना जाना। रस्ता बड़बड़ाते हुए चला जाता है। नाजू नाजू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थककर घास पर विश्राम करते हैं, तभी अचानक नजानू चिल्लाता हुआ उसके पास आता है। अरे सुनो 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 सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। अच्छा जरा सुनाओ तो। सुनो मेरी पहली कविता जानू पर है। ते
जामुन टहलने गया, नदियों के तट पर जाते जाते चढ़ गया मोटर की छत पर। झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? अगर अरे यार, ऐसा तो सिर्फ तुक बनाने के लिए हुआ है कविता में। यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, हो सकता है वो तो है ही। लो जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निकल गया वो जिंदा मुर्गी। अगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, नहीं जिंदा नहीं पकी हुई। ओह, मैं सच थोड़ी ना कह रहा था, ये तो एक कविता है। बड़ी अच्छी कविता है। अच्छा लो, अब तुम सुस्त राम की कविता सुनो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। झूठ सफेद झूठ, मेरे जेब में कोई सेब नहीं है, जाओ तो देख लो। तुम तो कविताओं के बारे में कुछ नहीं समझते, ऐसे तो मैंने सिर्फ तुक मिलाने के लिए लिखा है। मैंने तो मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते ना, तो मैं जाकर क्या पड़ोसियों को सुनाऊं? अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको मैं अभी तुमको बताता हूँ। मोटू और छोटू और बाकी सब हंसते हैं और नजानू को पीटने के लिए दौड़ते हैं। रुको 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 रुको, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आज कल कविता नहीं पढ़ूंगा, बस मेरे को मत मारो। तो लगाओ उठक बैठक। नजानू उठक बैठक लगाने लगता है। बोलो मैं। मैं अब कभी, अब कभी कविता, कविता नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। वैसे न जानू, तुम कविता अच्छी बना लेते हो। हैं? तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी? हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे?